होता है, तो न्यूट्रिशनली ऑल्सो हमारा जो मछली है वो, अगर आपका नॉन वेज की बात करते हैं तो सबसे बेस्ट होती है। पर्टिकुलरली जो हमारे जो प्रेग्नेंट वुमन्स हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, उनके लिए फिश का एक बहुत बड़ा रोल है। और पूरे वर्ल्ड वाइड अराउंड 40% बोलते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज में अराउंड 40% तक प्रोटीन का जो कंट्रीब्यूशन है वो थ्रू फिश होता है। तो हम भी अगर यहाँ थोड़ा बहुत ये सब चीज की देखते हुए, और मैं थोड़ा जानकारी ये दे दूं आपको कि हमारे पास टोटल टैंक्स कितने होते हैं। एक जब हम एक मछली पालन काम शुरू करते हैं तो हमको एक जानकारी होनी चाहिए कि आफ्टरऑल पूरे ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में मछली पालन कैसे चल रहा है। तो हमारे पास बहुत रिच रिसोर्स है, पूरे कंट्री का है। 29,000 किलोमीटर हमारी नदियां हैं, अराउंड 2.254 मिलियन हेक्टेयर में हमारे तालाब और टैंक हैं, और रिजर्वॉयर्स करीब 3.5 मिलियन हेक्टेयर में, जिसमें बड़े छोटे और बीच वाले इस तरह के हैं, देन कैनाल्स हैं। ये सभी चीजें जो है हमारी मछली पालन के लिए उपयोगी होती है। और कितनी हमारी नदियां हैं जो जो कि हमारा एक मेन सोर्स होता है वाटर का फिश फार्मिंग के लिए, तो थोड़ा जानकारी इसकी भी रहे। हमारी टोटल 29,000 जैसे मैंने बताया आपको कि रिवर्स होती है, उसमें हमारी 5 प्रमुख सिस्टम बोलते हैं, रिवर सिस्टम। तो एक गंगा है, एक ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट की नदियां हैं। तो हमारा ये 5 सिस्टम है। गंगा सिस्टम में जो हमारे यहाँ की भी बहुत सारी नदियां गंगा सिस्टम में, जिसमें हमारे जैसे वेस्टर्न राम गंगा है, सरयू है, काली नदी है, गोमती है, यहाँ गगास है, कोसी है, ये सब नदियां भी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी मिलके गंगा का एक सिस्टम का पार्ट होती है। तो ये भी, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप जो सब जानते होंगे, पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में जितनी भी नदियों का ओरिजन, बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स का ओरिजन पहाड़ से होता है। तो इसकी वजह से भी देखिए, ये सारे एक देश को बहुत तरह की खुशहाली देती है, लेकिन पहाड़ में हम लोग अगर इसका थोड़ा बहुत भी उपयोग करें तो हमारे में भी बहुत खुशहाली आ सकती है इन नदियों से। फिर मैं एक एक थोड़ा ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा पोजीशन क्या है। हम पूरे वर्ल्ड में 3rd पोजीशन में है। कभी हम सोचते हैं शायद हम बहुत पीछे तो नहीं है, लेकिन हमारा एक्वाकल्चर बहुत एडवांस है और 2nd इन एक्वाकल्चर। टोटल में हमारा प्रोडक्शन वाइज 3रा स्थान है, लेकिन जो हम फिश फार्मिंग करते हैं उसमें हमारा 2nd पोजीशन है। हमारा GDP में भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है। और ये जान के आपको बहुत खुशी होगी कि हमारी जो एनुअल एक्सपोर्ट अर्निंग है, एनुअल एक्सपोर्ट अर्निंग वो करीब करीब 48,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं फिशरीज प्रोडक्ट। अब